अब हम इसको स्लाइटली सा मिक्स करेंगे, बहुत स्लाइटली सा इसको करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि टर्किश कुजीन में से है। टर्किश ब्रेकफास्ट मेनेमेन कहलाती है। इसके ये सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने 1 लार्ज अनियन चॉप किया हुआ है, 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड है, 2 चिलीज हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और 2 टोमेटोज को मैंने पील करके और उसको मैंने पेस्ट बना लिया। 4 एग्स हैं, 1/2 टीस्पून ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1/4 टीस्पून इसमें मेरे पास रेड चिली है। तो चले आए हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें जो मैंने ये 1 अनियन चॉप करके रखा था इसको मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं हल्का सा सॉटे करूँगी। साथ ही साथ जो हमने गार्लिक रखा था चॉप किया हुआ वो भी हम ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा इसको हम स्पाइसी स्टर करेंगे चीज़ों को, और साथ ही साथ ये ग्रीन चिली चटनी मैं ये भी ऐड कर दूँगी। ध्यान रहे कि जो हमारी चिली है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना है, क्योंकि जो है हमने खाली ग्रीन चिली का फ्लेवर देना है, इसको बहुत ज़्यादा स्पाइस अप नहीं करना है इसको हमने। इसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे। लाल से इससे कलर चेंज होने लगे अनियन का, बहुत ज़्यादा हमने इसको डीपली कुक नहीं करना। अब जब इसका कलर स्पाइसी चेंज हुआ तो ये जो मैंने टोमेटो प्यूरी बनाई थी, आप टोमेटो इसको ब्लांच करके डालें तो इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और अगर आप चाहें तो इसमें टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर कुक करना है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना। अब ये इसके बाद जो मैंने सॉल्ट पेपर एंड रेड चिली रखी हुई थी, सॉल्ट और पेपर आप सब कुछ अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब बहुत स्लाइटली सा मैं कुक करूँगी, मीन्स 2-3 मिनट्स में इस टोमेटो को हम डालेंगे उसको कुक करेंगे। अगर आप प्यूरी डालेंगे तो उसको आपको ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। एक मैंने पेस्ट डाला है तो मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। बहुत ही लाइट फ्लेम पे हमने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है। अब 3-4 मिनट्स की कुकिंग के बाद अब हम इसमें एग्स ऐड कर लेंगे। हमने अपनी फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा लो रखना है, हमारी फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। हम इसको बहुत ही लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमने अपने एग्स ऐड कर दिए। की योक को तोड़ेंगे। हर 30 सेकंड्स बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। हमने इसको हर 30 से 40 सेकंड्स के बाद थोड़ा सा मिक्स करना है कि जो हमारा एग है वो कुक हो जाए, और बहुत ही ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक भी नहीं करना। और इसको हम बहुत ही लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट्स, या आप ज़्यादा करना चाहें तो बहुत ही लो फ्लेम पे आप 6 से 7 मिनट्स भी इसको कुक कर सकते हैं। सो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे के ऊपर। हरा धनिया इसको हमने ऊपर इसको इससे स्प्रिंकल कर दिया। और अब ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, बहुत ही आसान और क्विक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।